समाजवादी पार्टी महिला सभा ने 29 सितंबर को लगभग शाम 7 बजे कंपनी बाग मुरादाबाद में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मोमबत्तियां रोशन करके हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। विदित हो कि जनपद हाथरस के चंदपा गांव की रहने वाली वाल्मीकि समाज की लगभग 20 वर्षीय एक बेटी के साथ 14 सितंबर को 4 दरिंदों ने रेप करने के साथ साथ उसका गला घोट दिया था, गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी और मारपीट की थी। आखिरकार 29 सितंबर की सुबह उसने दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के मार्गदर्शन तथा सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष अफरोज जहां वारसी के नेतृत्व में सपा महिला सभा की कार्यकर्त्रियों ने शाम को लगभग 6-7 बजे कंपनी बाग मुरादाबाद पहुंचकर हाथरस की बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा कार्यकर्त्रियों ने शाम 6 बजे से ही कंपनी बाग पहुंचना शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ के चेयरमैन जयवीर सिंह यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों को बताया, आज हाथरस में जो गुड़िया थी उसके साथ दरिंदगी की गई थी और मनीषा का नाम था उसका बच्ची का, अस्पताल में एडमिट थी 8 दिन से, लगभग ज़्यादा हो गए होंगे, और उसके साथ 14 तारीख की घटना थी। उसी के उसमें आज समाजवादी पार्टी महिला सभा की तरफ से ये कार्यक्रम करा गया, श्रद्धांजलि सभा, एक कैंडल मार्च निकाला गया है, तो वही कार्यक्रम आज हमारे समाजवादी पार्टी महिला की सभा की तरफ से कार्यक्रम है। बड़ा दुख का। क्या मांग करना चाहते हैं आप, जो लोग उसके कातिल हैं, उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनको सजा देने के लिए? समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने भी उसके साथ इतनी दरिंदगी करी है और ये घटना ऐसी दर्दनाक घटना है, उसकी जीभ काट दी बेचारी बच्ची की, गुड़िया की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसके परिवार को जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए और कहीं कम से कम उनके परिवार को किसी को नौकरी भी मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि ऐसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई भय नाम की चीज़ नहीं है। 8 दिन बाद इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद 8 दिन बाद बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये ऐसी सरकार चल रही है कि गुंडे बिल्कुल हौसले बेखौफ हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं, जैसी हमारी हाथरस में ये बच्ची के साथ हुई है। हम समाजवादी पार्टी के सभी महिला सभा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यही मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए और उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। और कितनी मदद दी जानी चाहिए कम से कम, जैसे हालात हैं उस परिवार के? बहुत गरीब परिवार है, बहुत कमजोर परिवार है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद उनके परिवार को होनी चाहिए। सपा महिला सभा की मीनू रत्नाकर ने इस अवसर पर बताया, आज हमारा समाजवादी पार्टी का ये जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का हाथरस में उसके साथ दरिंदगी की गई है और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, कि उसके पैर भी तोड़े गए, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई और आखिर में उसकी जवान तक काट दी गई, ताकि वो दोषियों के बारे में किसी को अपना नाम ना बता सके। और उत्तर प्रदेश हाथरस का जो शासन प्रशासन था, अब किसी ने उस बहन को नहीं देखा, ना उन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, जब उसके लिए ना कोई टेप में अच्छे नहीं। आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई हो? हम ये समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से हम ये चाहते हैं कि बहन को हमारे इंसाफ दिया जाए और जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो उनके इस शासन में इस तरीके के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और माँ बहनें हमारी सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ दरिंदगी हो रही है, उस पर लगाम लगाई जाए। और ये संदेश हमारे समाजवादी महिला सभा की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जो दरिंदे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाए, उनके घर में अगर नौकरी नहीं है तो उन्हें एक सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का उन्हें मुआवजा। इस दौरान समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व जिलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्या राजेश कुमारी यादव, सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष अफरोज जहां वारसी,
निवर्तमान महानगर अध्यक्ष यास्मीन सैफी, अफरोज बेगम, नाग भारती, चंद्रवती, राजेश्वरी यादव, सुनीता जी एडवोकेट के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता एवं अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार दद्दा, महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह, सपा नेता नौशाद पाशा, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रेम बाबू वाल्मीकि, सपा शिक्षक सभा के महानगर अध्यक्ष एमपी सिंह आदि भी मौजूद रहे।